हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम कर रहे हैं यूक्लिड का, यूक्लिड्स थ्योरम। ठीक है, प्राइम से रिलेटेड है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, यूक्लिड का क्या कहना है कि जो प्राइम नंबर है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, बहुत सिंपल। देखिए, इसका प्रूफ रहने वाला है। देखिए, प्रूफ एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, काफ़ी ईजी होगा। कैसे करेंगे, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करते हैं और सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ प्राइम है वो फाइनाइट होता है। ठीक है, वी यूज़ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट देयर आर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स P1 कॉमा P2 कॉमा P3 टू शो ऑन PR। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इतना ही जो है फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम होता है, और इसको ले लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब इसको हम लोग जो है बढ़ते हुए क्रम मिलेंगे। ठीक है, और हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 गोइंग टू शो ऑन इंटू PR+1। ठीक है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि कोई मेरा वैल्यू P है, कोई भी नंबर है जो जो है इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है और +1 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, देन क्या होगा, देन ऑब्वियसली एक बात तो जो तय है वो ये है कि जो P होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा PR। ठीक है, क्योंकि PR इसमें एक प्राइम है। ठीक है, और पूरा जो आप देख रहे हैं ये राइट हैंड साइड, तो डेफिनेटली ये जो है पूरा PR से तो ग्रेटर है, क्योंकि ये मल्टीपल है बहुत सारे प्राइम का, +1 है तो PR से ग्रेटर है। ठीक है, अब देखिए, अब इस P पर हम लोग बात करेंगे। ये जो नंबर हम लिए हैं, तो इसका दो ही चीज़ हो सकता है इस नंबर का ना, या तो ये जो हम नंबर P लिए हैं, या तो ये प्राइम होगा, ठीक है, और या तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा। क्योंकि नंबर का दो ही तरह का नेचर है, एक तो ये या तो वो प्राइम हो सकता है या तो कंपोजिट हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों केस पे बारी बारी से बात करेंगे। ठीक है, देखिए, इफ P इज प्राइम, अगर मेरा P प्राइम है, ठीक है, तब तो हमारा टास्क ही खत्म हो जाएगा। देन हम क्या बोलेंगे, देन सिंस क्या P ग्रेटर है PR से, ठीक है, देयरफोर क्या लिखेंगे, therefore we have a prime greater than PR, therefore we have a prime greater than PR। ठीक है, मतलब देखिए, अगर तो P मेरा प्राइम है, तब तो मेरा काम ही खत्म हो गया, इसलिए कि अगर PR मेरा कोई प्राइम प्राइम था, अब PR मैंने PR नंबर तक ही प्राइम मैंने लिया था, है ना, ऊपर में P1 से लेके PR नंबर तक ही प्राइम मैंने लिया था, तो मुझको तो दिख रहा है भाई कि PR से बड़ा भी प्राइम होता है। ठीक है, तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ P इज़ कंपोजिट, दूसरा केस, अगर P को हम क्या ले लेते हैं, कंपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, अगर P कंपोजिट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, देन देन ओके देयर एग्जिस्ट ए प्राइम, तब हमको एक प्राइम मिलेगा। ठीक है, कैसा, कोई भी हम ले लेते हैं PI, सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, P को हम लिख सकते हैं N इंटू PI, बात समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे N हमारा क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर P कंपोजिट है, तो कंपोजिट का जो डेफिनेशन है उससे ये है कि हमको कोई ना कोई एक प्राइम मिलेगा PI, जिससे हम P को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू PI लिख सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट का यही डेफिनेशन होता है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, क्या क्लेम कर रहा हूँ, देखिए, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, क्लेम क्या कि ये जो PI है ना, ये क्या है, ये आपका ग्रेटर देन PR है, ये जो है PR से ग्रेटर है। ठीक है, क्यों, देखिए, बिकॉज, समझिएगा, बहुत आसानी समझ सकते हैं, काफ़ी आसान है। बिकॉज इफ
पी आई, अगर मेरा ये पी आई क्या होता है, ठीक है, इसलिए कि अगर हम ऐसा ले लें कि बिकॉज इफ पी आई इज स्मॉलर देन पी आर, देन क्या होगा, इट इज स्मॉलर देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, देन ओके इट डिवाइड्स, देन इट डिवाइड्स पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू पी आर, बात समझिएगा अच्छे से, ठीक ठीक है। अगर मेरा पी आई पी आर से छोटा है या बराबर है तो हो सकता है ये कोई भी पी वन होगा, पी टू होगा, पी थ्री कोई एक हो सकता है, या हो सकता है पी आर ही हो, किसी भी केस में क्या ये क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा, ठीक है ओके। दैट इज़ क्या, दैट इज़ ये होगा हमारा कि मेरा जो पी आई है ओके वो डिवाइड करेगा पी आई डिवाइड्स पी माइनस वन। क्यों, देखिए अगर हम मैं ऊपर का जो क्वेश्चन है ना उसको मैं पहले क्वेश्चन वन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये जो था हम लोगों का रिलेशन, इसको मैं ले लेता हूँ रिलेशन वन। तो रिलेशन वन से आप देखेंगे कि ये जो पूरा जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, वन को उधर कर देंगे तो पी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत इसको आसानी से समझना है, बहुत ईजी आप समझ पाएंगे। देखिए तो क्या होगा, अच्छा तो पी आई जो है पी माइनस वन को डिवाइड करेगा, ठीक है। एल्सो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी आई जो है वो पी को भी डिवाइड करता है, कहाँ से, सिंस हम लोग देख चुके हैं कि पी इज इक्वल टू क्या है, एन पी आई है ना, चूँकि पी हमारा कंपोजिट है तो हम लोगों ने पी को इस फॉर्म में लिखा था, यानी पी आई क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ पी, दैट मीन्स पी आई डिवाइड्स पी, ठीक है। अच्छा दिस इम्प्लाइज यहाँ से ये हो जाएगा कि पी आई किसको डिवाइड करेगा, दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका कि पी आई जो है वो डिवाइड करता है वन को, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाया है, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा हुआ है डिविजिबिलिटी में, क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना कि अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, तो ए क्या है, डिवाइड करेगा दोनों के डिफरेंस को भी, ठीक है। यहाँ पे यही प्रॉपर्टी मैंने लगाया है कि पी आई डिवाइड करता है जो है पी माइनस वन को, पी आई डिवाइड करता है पी को, तो दोनों के डिफरेंस को भी करेगा, तो यानी पी आई डिवाइड करेगा वन को, तो कोई प्राइम जो है वन को डिवाइड करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों, सिंस पी आई इज़ ए प्राइम, जो कि पी आई हमारा क्या है वो एक प्राइम है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी आई हमारा क्या है, एक प्राइम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो हमारा क्लेम करेक्ट है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर therefore pi must be greater than pr, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कंपोजिट वाले केस में भी हमको दिख रहा है कि कोई ना कोई एक प्राइम है, दैट इज देयर बी ए प्राइम, एक मेरे पास में कोई ना कोई प्राइम है क्या, greater than pr। तो इस केस में भी देखिए pr से बड़ा हमको एक प्राइम मिल रहा है, यानी आइदर केस में हमको pr से बड़ा एक प्राइम मिल रहा है, तो ये कहना कि पी आर नंबर तक ही प्राइम होगा ये करेक्ट नहीं है, और कंसिक्वेंटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। दस इन आइदर केस वी हैव ए प्राइम ग्रेटर देन पी आर, ठीक है। तो दोनों केस में हमको एक प्राइम मिल रहा है जो पी आर से बड़ा है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्राइम्स आर इनफाइनाइट, प्राइम जो है वो फाइनाइट नहीं होता बल्कि क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, काफ़ी इजी प्रूफ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे मैं एक रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिजल्ट भी हम लोग देख लेते हैं, अच्छा रिजल्ट है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। क्या है रिजल्ट, आइए इसको देखते हैं अच्छे से। देखिए रिजल्ट है कि इफ एन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी प्राइम लेस देन इक्वल टू रूट एन, देन एन इज ए प्राइम, ठीक है।
एन इज ए प्राइम, ये एक रिजल्ट है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये आपको हेल्प करेगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रिजल्ट है, ठीक है। कैसा हेल्पफुल रिजल्ट है ये? हेल्पफुल। क्यों हेल्पफुल रिजल्ट है? आपको कभी कभार बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि भाई वो प्राइम है कि नहीं है, तो आप इस पे इससे आप पता कर सकते हैं इस टेक्निक से, ठीक है। पहले मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ आपको, प्रूफ सिंपल होगा, ठीक है। कैसे? देखिए हम लोग जो है कॉन्ट्राडिक्शन से चलते हैं, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, ओके, एन इज नॉट प्राइम, एन इज नॉट ए प्राइम। अगर पॉसिबल है तो ये मान लेते हैं कि एन हमारा प्राइम नहीं है, ठीक है। देन क्या होगा? देन एन इज कंपोजिट, एन इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। ओके सो इट कैन बी रिटेन, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं अगर ये कंपोजिट नंबर है, तो ये हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू हो जाएगा पी वन का पावर अल्फा वन, ठीक है। इसी तरीके से पी टू ले लेते हैं, पी टू का पावर अल्फा टू, लाइक दैट पी एन का या पी आर का पावर अल्फा आर, इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है ना, अल्फा आर, ओके अल्फा आर, ओके ले सकते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं। अच्छा सी मान लिया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से आप देखिएगा, सिंपली आपको ये दिखेगा कि एन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है पी वन इंटू पी टू, क्लियरली, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर पी वन पी टू पी आर के प्राइम के फैक्टर में ये लिखा हुआ है, तो पी वन इंटू पी टू से तो ये ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा ग्रेटर देन रूट एन इंटू रूट एन। कैसे आ जाएगा ये चीज़? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं कि एन क्या है, गिवेन है हमारा, एन है, एन इज प्राइम, सॉरी एन इज नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, ठीक है, एन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी प्राइम लेस देन इक्वल टू रूट एन। बात समझिएगा, ठीक है। रूट एन से छोटा या बराबर अगर हम कोई प्राइम लेते हैं तो क्या है, तो रूट एन से छोटा अगर हम कोई लेते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइम या बराबर लेते हैं, तो एन उससे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब सीखिए, इसका मतलब है कि जो पी वन है, जो भी आपका पी वन है, ठीक है, वो क्या होगा, वो रूट एन से बड़ा होगा, ठीक है। और जो आपका पी टू है वो भी क्या होगा, वो भी आपका रूट एन से बड़ा होगा। इसलिए कि अगर ये रूट एन से छोटा होता या बराबर होता तब क्या होता, तब तो ये एन को डिवाइड करता, और एन को डिवाइड अगर करता तब तो फिर ये वाला जो हम लोगों ने लगाया है इनइक्वालिटी, ये होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है कि पी वन और पी टू दोनों क्या है, रूट एन से बड़ा है, तो हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ से आपको सिंपली क्या आ जा रहा है, यहाँ से आपको सिंपली आ जा रहा है, देखिएगा आप, तो एन ग्रेटर देन रूट एन, रूट एन क्या होता है, एन ही होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो रिजल्ट है वो हमारा करेक्ट है, रिजल्ट इज करेक्ट, रिजल्ट इज करेक्ट। किस तरह से करेक्ट है? इस तरह से करेक्ट है कि अगर आप ये लेते हैं कि कोई एन है, कोई नंबर है जो डिविजिबल नहीं है किसी भी ऐसे प्राइम से जो उसके स्क्वायर रूट से छोटा या बराबर है, तब वो नंबर खुद क्या होगा, प्राइम होगा, ठीक है। कोई भी नंबर जो डिविजिबल नहीं है किससे, उसके स्क्वायर रूट के, उसके स्क्वायर रूट के किसी भी छोटे या बराबर वैल्यू से, तो वो नंबर खुद प्राइम होगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप बहुत सिस्टमेटिक वे में ना बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं, कैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एग्ज़ाम्पल है, क्या है एग्ज़ाम्पल, कि आपको बताना है कि क्या 503 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। शो दैट 503 इज प्राइम, ये आपको बताना है कि ये आपका प्राइम नंबर है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए पहले आप प्राइम्स निकाल लीजिए, हाँ, प्राइम्स स्मॉलर स्मॉलर और इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लेकर के, ठीक है, इसके इससे छोटा, इससे छोटा निकालिए या इसका इक्वल का प्राइम निकालिए, ठीक है।
तो 503, आप देखेंगे कि इसका जो वैल्यू है 503 का, ठीक है, तो 503 का जो वैल्यू है स्क्वायर रूट में वो अबाउट किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो है इसका जो वैल्यू है 20 का, देखिए 400 होता है, ठीक है, 21 का 404 पर, तो ये जो है आपका 22 से छोटा, ठीक है ना, 22 से छोटा वाला आपको लेना है अबाउट, है ना, अबाउट 22 से छोटा। तो 22 से छोटा प्राइम कौन कौन सा होगा, ठीक है, तो इससे छोटा प्राइम होगा इज कौन कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप 503 को डिवाइड कीजिए, तो ये देखिए किसी से भी डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है, एंड क्या लिखेंगे, एंड नॉन ऑफ दीज, ठीक है, नॉन ऑफ दीज, ठीक है, प्राइम, इसमें से कोई भी प्राइम जो है वो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, डिवाइड्स 503, जो 503 है उसको इसमें से कोई भी डिवाइड नहीं करता है। तो अभी जो ऊपर का रिजल्ट पढ़े हैं हम लोग कि अगर उसके नंबर के स्क्वायर रूट से जो छोटा प्राइम है या बराबर प्राइम है अगर इसको डिवाइड नहीं करता है तो डायरेक्ट आप क्या बोल देंगे कि 503 क्या है, वो खुद एक प्राइम है, इज ए प्राइम, ठीक है। तो इस तरह से आप रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए हम लोगों ने जो जो है लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये देखा था, क्या था हमारा थ्योरम, तो हम लोगों ने जो एक रिजल्ट देखा था वो ये देखा था रिजल्ट, ठीक है, कि कोई भी नंबर को, है ना, एवरी इंटीजर ठीक है, कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिकली, ठीक है, जो हम लोगों का जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैंने किया था, आपने अगर नहीं देखा तो आप जाकर के देख लीजिए, यानी कोई भी नंबर है तो उसको आप जो है कुछ डिस्टिंक्ट प्राइम के जो है पावर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यही नहीं, डिस्टिंक्ट प्राइम का मतलब ये होगा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि एक ही प्राइम जो है वो अल्फ़ा 1 टाइम्स आता हो, ठीक है, या दूसरा प्राइम अल्फ़ा 2 टाइम्स आता हो, या तीसरा प्राइम अल्फ़ा 3 टाइम्स आता हो, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम लोग इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है, मान लीजिए हमको लिखना है 560 को, ठीक है, 560 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो कैसे लिख पाएंगे इसको, तो बहुत सिंपल इसका तरीका होता है, आप इधर रफ में 560 को क्या कीजिए, देखिए, ठीक है, जैसे ये 4 से अगर हम लोग का कट होता है, हालांकि आपको सिर्फ प्राइम से करना है तो जल्दी के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए 2 से कर लेते हैं, तो 28 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो आपका 140 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 70 आएगा, ठीक है, फिर आप 2 से करेंगे तो 35 आएगा, फिर आप 5 से करेंगे तो 570 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितना प्राइम है, 2 आपका 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसको आप सिंपली क्या लिखेंगे, 560 इज इक्वल टू 2 का पावर 4, फिर 5 आपका 1 टाइम आ रहा है और 7 भी आपका 1 टाइम आ रहा है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, ठीक है, आप मेरे को लिख करके दिखाइएगा, 144 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, 320 को, ठीक है ना, 180 को, ये सबको आप किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो है छोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको ये अच्छा लगा है, ठीक है, अच्छा लगा तो लेक्चर को मेरा लाइक जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको डे बाई डे इसमें कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।